गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी सुबह का बज रहा है 6:30 और हम लोग जा रहे हैं मिनी को स्कूल पहुंचाने। अभी स्कूल का टाइमिंग हो गया है 6:50 और सुबह हम लोगों को उठना पड़ा 5:30 को। तो बहुत सुबह उठे हैं हम और देखिए सुबह सुबह धूप कितना है। एक तो स्कूल का टाइम और फिर से लिफ्ट खराब हो गया, एक ही लिफ्ट चल रहा था। चलो अभी 10th फ्लोर से नीचे सीढ़ी पे चलो। मिनी को स्कूल पहुंचा दिए और हम घर आ गए हैं। अभी मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए टिफिन बॉक्स, वो लंच लेके जाएंगे और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो आज बना रही हूँ पनीर के सैंडविच। इतना गर्मी है तो हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे रोटी चावल कुछ भी खाने का इच्छा नहीं है, आप मुझे दूसरा कुछ दे दो। तो मैं सोची कि सैंडविच बना के देती हूँ, उनको भी पसंद है मुझे भी पसंद है। तो यहाँ पे देखिए मैं वेजिटेबल्स ली, मैं वेजिटेबल्स में लिया यहाँ पे कैरट्स और स्वीट कॉर्न, और मैं लिया हूँ बहुत सारा पनीर, उसको ग्रेट कर लिया, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। बस और कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए तो इसमें ऑनियंस और धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑनियंस मैं नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम तक ये रह जाएगा टिफिन बॉक्स में तो ऑनियन का स्मेल आता है, अच्छा नहीं लगता है। तो और अभी मैं ब्रेड स्लाइसेस पे बटर लगा रही हूँ एक साइड पर। ऐसे ना सैंडविच बना के खाना बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। और मैं ब्रेड के दूसरे साइड में लगा रही हूँ मेयोनीज, आप कोई भी फ्लेवर का मेयोनीज लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल वेज मेयोनीज यूज़ कर रही हूँ, आज ट्विस्ट डे है, आज हमारा वेज है इसलिए मैं वेज मेयोनीज से ऐड कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से बहुत ज़्यादा करके मेयोनीज लगाना है, तो मेयोनीज से एक क्रीमी स्ट्रक्चर आता है। उसके बाद मैं जो पनीर का मिक्सचर बनाई थी उसको अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर दूँगी ब्रेड के ऊपर, अच्छे से ज़्यादा ज़्यादा करके स्प्रेड कर दूँगी। तो ये एक फीलिंग भी हो जाएगा और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और इंस्टेंट बन जाता है। जब कुछ खाना बनाने का इच्छा नहीं है तो मैं करती हूँ कि सैंडविच वगैरह बना के खा लेती हूँ, लेकिन मिनी के लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। और मैं सैंडविच गिलर में आज सैंडविच बना रही हूँ, आप तवे में भी इसको बना सकते हैं। तो सैंडविच गिलर में दे दिया और दूसरे साइड में मैं और जितना भी सैंडविच बनाना है उसको रेडी कर रही हूँ। तो देखिए एकदम मिनट में रेडी हो जाता है और इतना सुंदर हुआ है देखने में, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इसके साथ मैं उनको दे दूँगा थोड़ा सा फ्रूट्स, तो ऑरेंज, ग्रेप्स, बनाना, ये सब मैं उनको दे रही हूँ। तो चलिए हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, कितना धूप निकला है, अभी जस्ट 10 बज रहा है मॉर्निंग का और बहुत ज़्यादा धूप है। तो इसीलिए ना स्कूल का टाइमिंग तो अभी बहुत जल्दी कर दिया है, मॉर्निंग में 6:50 है स्कूल का टाइमिंग, तो इसलिए बहुत जल्दी उठना पड़ रहा है हम लोगों को। और अभी 10:20 में स्कूल ख़त्म होगा तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ मिनी को लाने। और इतना धूप है, बाप रे बाप। और ये दोनों हैं मिनी का बेस्ट फ्रेंड्स, मिनी एकदम जान छिड़कती है इन दोनों के ऊपर। तो अभी तो इन लोगों का स्कूल भी बहुत जल्दी छुट्टी हो रहा है, तो इन लोगों को तो बहुत टाइम मिल रहा है खेलने के लिए। स्कूल से आते हुए ही मिनी क्या करती है, अपने फ्रेंड्स को साथ में लेके आ जाती है और खेलना स्टार्ट हो जाता है। देख के अच्छा भी लगता है कि यहाँ पे इन लोगों को खेलने के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, क्योंकि हम तो घर से बहुत दूर रहते हैं, घर वाले तो नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स इन लोगों को मिल जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं ये लोग। और इन लोगों को मस्ती करते हुए देख के ना हम लोगों को बचपन का याद भी आ जाता है कि हम लोग भाई बहन मिल के हम लोग बहुत सारे मस्ती करते थे,
तो ये भी देख के बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये लोग भी अकेले नहीं रहते, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड रह जाते हैं। और कितना सुंदर सब डॉल लेके खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मैं एक तरफ किचन में खाना बना रही हूँ और दूसरी तरफ इन लोगों का खेलना भी देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई डॉल को खाना खिला रहे हैं, कोई डॉल को नहला रही है, कोई डॉल को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है इन लोग बच्चे को देख के। तो आज मैं लंच में बनाई हूँ पनीर के कोफ्ते, और हमारे घर से लाए थे एकदम छोटा छोटा पोटैटो, उसका फ्राई एंड सलाद, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और बच्चे के लिए बनाए थे दाल भी इसके साथ, तो बच्चे भी खाना खा लिए। और देखिए इतना अच्छा दोस्ती है इन लोगों में, हाथ पकड़ के दोनों एकदम सो रही है, पूरा नींद में चली गई है, और अभी दोनों अच्छे से सो लेंगे बहुत देर तक। और इन लोग ये लोग सो गए, अभी मैं जाके अपना लंच भी कर लेती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे इवनिंग में। तो आज डिनर में बन रहा है पूरी, क्योंकि ऐसे भेज है तो सोचा कि पूरी बना लेती हूँ, अच्छा लगता है, मिन्नी को भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो आज है पूरी, खीर, आलू की सब्जी और बैगन फ्राई। तो यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बोलेंगे। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। टाटा।